मामा मैं असद के पास जाना चाहती हूँ। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? सब तो जाते हैं, असद भी तो गया है। वहाँ जाके क्या करोगी तुम? असद मेरा था और मेरा है, मेरा हक है उस पर, उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो मैं क्यों यहाँ बेबस बन के बैठी रहूं? वहां जाके और बेबस हो जाओगी जब वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब जब वो मुझे वहां देखेगा अपने सामने, तो वो मेरा साथ देगा। इसे मैं तुम्हारी खुशफहमी समझूं या गलत फहमी? मामा मामा प्लीज, आप एक दफा मुझे सब के पास भेजते हैं, मैं उसको साथ यहाँ लेकर आऊंगी। वो मेरी बात नहीं टालेगा, वो चाहता है मुझे, वो मेरा मान रखेगा, मैं जानती हूँ। सारा, जब एक मर्द कुछ करने पे आता है ना, तो मोहब्बत, इश्क, मान, वो सब कुछ भूल जाता है। उसे रास्ता बदलने में देर नहीं लगती। नहीं नहीं मामा, असद असद ऐसा नहीं है। तुम किस दुनिया में रह रही हो? वो यहाँ से चला गया, उसने दोबारा शादी कर ली वहां जाके, उसका एक बच्चा होने वाला है, और अभी भी तुम यही कह रही हो कि वो ऐसा नहीं है। देखो, कबूल कर लो कि रबिया ने उसको अपनी जाल में फंसा लिया है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, रबिया ने उसे अपनी जाल में फंसाया है। असद ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकता ऐसे। ये बात तो मैं भी कहती थी कि तुमने असद को अपनी जाल में फंसाया था। देखो जारा, इसे अपनी किस्मत समझ के ना कबूल कर लो, जैसे मैंने तुम्हें कबूल किया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती मैं। तो फिर और क्या करोगी? अदालत चली जाओ, खुला मांग लो, और मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ?